मेरा सवाल है कि वो बच्चे जिन पर घरों में जुल्म होता है और हुकूमत इन बच्चों को माँ बाप से अलग घरों में भेज देती है तो इस्लामी तरीम इस बारे में क्या कहती है और क्या जमात को भी ऐसे चिल्ड्रंस होम बनाने चाहिए बात यह है कि जिन बच्चों पर म होता है वो माँ बाप ज़ालेमें और हुकूमत का अपना कानून है या कायदा है अगर सबित हो जाए कि म हो रहा है तो हुकूमत उनको ले जाएगी उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते हमारे पास तो हुकूमत नहीं है ठीक है हम तो एक शहरी हैं और जब हम शहरी हैं किसी मुल्क के तो उस मुल्क के कानून पर हमने अमल करना है ठीक है पहली बात तो ये कसूर माँ बाप का है कि माँ बाप क्यों करते हैं वो गुनाहगार हैं वो ताला के ताँ भी जवाब दे अल्लाह ताला ने तो उनको बच्चों के बच्चे दिए एक नेमत दी एक इनाम दिया उसकी उनको सही तरह परवरिश करनी चाहिए नगेदाश्त करनी चाहिए उनके प्यार से मोहब्बत से तरबियत करनी चाहिए और मैं अपने खुदबा में तकरीरों में कई जगह ऐसी बातें कह चुका हूँ ठीक है अगर आप लोग सुने तो पता लगेगा कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है वो मैं कई दफ़ा इस बारे में बयान कर चुका हूँ कि दो बस्तों बच्चों से दोस्ती करें उनसे दोस्ताना तल्लत रखें उनकी बातों को बर्दाश्त करें उनके सवालों को जवाब दें और उन पर किसी भी किस्म का ें क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएँगे इस माहौल में आजकल के माहौल में जबकि आज़ादी आज़ादी का बहुत ज़्यादा नारा लगाया जाता है बच्चों को भी गलत तरीके से स्कूलों में और माहौल में आज़ादी की तरफ तो जो दिलाई जाती है जो बाज़ तो जायज़ आज़ादी के हक हाँ हैं बाज़ नाजायज भी हैं इसलिए ऐसे माहौल में तो फिर माँ बाप को बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए और जो माँ बाप बच्चों पर जुल्म करते हैं उनको अगर जमात के बस में हो तो सुझावी जरूर दे अगर मेरे बस में हो ना मैं तो सुझावी दूँ बाकी रह गई हुकूमत ले जाती है सोशल सर्विस वाले ले जाते हैं सोशल सेंटर में रख लेते हैं वहाँ भी माँ बाप को पहले यही सोचना चाहिए कि जब ये ले जाएंगे हुकूमत तो फिर उनको इससे कोई परवाह नहीं कि आप मुसलमान हैं कि एहमदी हैं एहमदी मुसलमान हैं या दूसरे मुसलमान हैं या ईसाई हैं है, या यहूदी हैं या हिंदू हैं क्या है उन्होंने तो वहाँ रखना है सेंटर में और अपनी तलीम देनी है और ये तालीम ये देनी है कि आज खुदा आज कल इस बात पर ज़्यादा जोर है खुदा है ही कोई नहीं मज़हब कोई चीज़ नहीं है तो मजा दो जो तुम मर्जी करो वो इतना उनके दिमागों में डाला जाता है कि बच्चे जब सोशल सेंटर से बाहर निकलते हैं अगर ज़्यादा लंबा अरसा रहें तो वो एथियस बने होते हैं खुदा पर यकीन ही नहीं होता उनको ठीक है तो ये तो पहले माँ बाप की सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो इन मुल्कों में आए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएँ हम तरक्की कर जाएँ हमारी मजहबी आज़ादी हमें मिल जाए और कुछ अच्छे शहरी बन के कौम का एक फाल हिस्सा कार आमद हिस्सा बन जाएँ दूसरी तरफ उनकी तरबियत करने में बिल्कुल बेहतियाती से काम ले रहे हैं और फिर जब माँ बाप को देखते हैं कि ये सोशल सर्विस वाले ले गए और वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को ढाल रहे हैं फिर शुरू चाहते हैं ओ जी यी ये कर दिया सोशल सर्विस वालों ने वो कर दिया सोशल सर्विस वालों का कसूर नहीं माँ बाप का कसूर है ये उन्होंने तो अपने मुताबिक जो कानून है कायदा है उनका मुल्क उसके मुताबिक उन्होंने करना है वो कर रहे हैं और दूसरे ये कि उनको बच्चे उनके तो नहीं हैं कहने को तो वो इस दर्द में लेके गए कि माँ बाप अपने बच्चों को म किया लेकिन तरबियत के लिहाज से उनमें वो दर्द नहीं है जो माँ बाप में हो सकता है अपने बच्चे के लिए माँ और को अपने बच्चे में के लिए जो दर्द है दिल में या बाप को भी अगर है अल्लाह माशाल्लाह के बिल्कुल कोई, कोई बदबخت बाप हो तो उसको या माँ ऐसी हो अमूमन उनके दिल में बच्चों के लिए ज़्यादा दर्द होता है बाद दफा वो तरबियत के रंग में भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा सख्ती कर देते हैं और बच्चा माहौल की वजह से उस समझता है कि मेरे पर सख्ती हुई और मुझ पर म हुआ और वो अपने स्कूल में स्टूडेंट से जिक्र कर देता है या टीचर से जिक्र कर देता है फिर टीचर या स्टूडेंट सोशल सर्विस वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं सोशल सर्विस वाले उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ देर और अगर बच्चा कहे कि हाँ हाँ मेरे पे भी हो रहा है तो फिर उसको ले भी जाते हैं बाज़ नफसियाती तौर पर ऐसे बच्चे होते हैं जो नफसियाती तौर पर बीमार होते हैं या पूरी तरह समझबूझ नहीं रखते और आजकल इनका तो माहौल ही यही है यह कि ख़ासतौर पर मुसलमानों के बच्चों को तो जितनी जल्दी इनके माहौल से निकाल के इस्लामी माहौल से निकाल के दी माहौल से निकाल के दुनियावी माहौल में डाला जाए उतना बेहतर है कि यही आजकल की तरक्की की निशानी बताई जाती है हैं यही कैसे कहना हो कि कौम तरक्की कर रही है समझते हैं कि कौम तरक्की इसी तरह करेगी कि मदद से दूर ले जाओ तो जमाती मौक़ तो यही है कि माँ बाप अपनी असलाह करें नहीं तो सोचे सोचे वाले ले जाएंगे और फिर जो वो जुलम करेंगे दीन से दूर हटाने का उस म के ज़िम्मेदार माँ बाप होंगे और कसूरवार होंगे और गुनागार होंगे ठीक है और जहाँ गुंजाइश हो जुमात को वहाँ ज़रूर करना चाहिए ठीक है अब आप जर्मनी में ही आपने बनाई है अल नसरत तंजीम वो पता नहीं कहाँ तक काम करती है उसका एक काम ये भी होना चाहिए कि बच्चों के केयर होम खोले, चिल्ड्रन होम खोले और वहाँ ऐसे बच्चों को रखें ताकि वहाँ दीनी माहौल भी रहे तरबियत भी रहे और एक दर्द के साथ उनकी दीनी तरबियत भी की जाए दुनियावी तरबियत भी की जाए उनका ख़्याल भी रखा जाए और फिर जब माँ बाप की सलाह हो जाए तो उनके स्पुरद कर दिया जाए अगर ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होंगे तो फिर कर सकते हैं नहीं तो गवर्नमेंट के जो अपने इदारे हैं वो ले जाएंगे तो ये मुल्क कानून क्या है ये तो मुझे ज़्यादा नहीं पता आपके मुलक में क्या कानून है लेकिन अगर खुल सकते हैं खुलने की गुंजाइश हो प्राइवेटली तो ज़रूर खोलना चाहिए जमात को भी